राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। सीता माता के जन्म की कथा, जानकी नवमी की कथा कुछ इस प्रकार है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा था। तब राजा जनक को सलाह दी गई कि वे वैदिक अनुष्ठान करें, खेतों में स्वयं हल चलाएं तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। उसी दौरान एक बक्से या कलश में उनका हल टकराया। उन्होंने उसे धरती से निकाला और खोला। उसमें एक कन्या शिशु थी जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से सीता माता की उत्पत्ति हुई। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्हें धरती की पुत्री कहते हैं। सीता नवमी की दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को सौंप दिया। वही कन्या जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उनका विवाह त्रिभुवनपति भगवान श्री राम के साथ हुआ। सीता माता जनक की पुत्री भी कही जाती है। सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। कथा के अनुसार वेदवती नामक स्त्री का माता सीता के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। वेदवती विष्णु भक्त थी और वे प्रभु हरि को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए कठोर तप किया। उसी दौरान रावण वहां से जा रहा था। उसने वेदवती को देखा और मोहित हो गया। रावण वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेदवती ने आत्मदाह कर लिया और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि वे उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे और उसके सर्वनाश का कारण बनेंगे। सीता नवमी की तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। वाल्मीकि रामायण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में सीता जन्म की कथा अलग अलग है। अद्भुत रामायण में सीता जन्म की तीसरी कथा है। इसके अनुसार ग्रत समद ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। वे इसके लिए तप कर रहे थे। एक दिन वे कि इसके लिए तप कर रहे थे। एक दिन वे आश्रम में नहीं थे तो रावण पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनके खून को कलश भर लिए, उससे लंका में लेकर अपनी महल में छिपा दिया। एक दिन मंदोदरी उस कलश को खोली और उसमें जमा खून को पी गई। इस कारण वह गर्भवती हो गई। बाद में उससे जन्मी बच्ची कलश में ही रखकर मिथिला राज्य की भूमि में छिपा आई। वहीं बच्ची सीता के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई। इस कथा के कुछ खास प्रमाण बताए जाते हैं। इन तीनों कथाओं में वाल्मीकि रामायण की कथा ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय भी मानी जाती है। तो सीता नवमी की तीन कथाएं मैंने आपके साथ में शेयर करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।